गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास, आज हम लेसन सिक्स जादू का ब्रश की एक्सरसाइज करेंगे। आपने इसको बुक में फिल करना है। ओके, सबसे पहले है बहुविकल्पी प्रश्न। सुई के पिता किस तरह की चीज़ें बनाते थे? कांच की, प्लास्टिक की, कागज़ की, रबड़ की, कांच की। सुई किसके घर में काम करती थी? सेठ के, धनी महिला के, होटल मालिक के या एक मालिक के? धनी महिला के। सुई को कैसा ब्रश मिला? जादुई, नया, पुराना, गंदा? जादुई। सुई ने अपनी मालकिन को कहाँ भेजा? घर में, हीरो की खान में, महल में या झोपड़ी में? हीरो की खान में। क्वेश्चन आंसर हम नोटबुक में करेंगे। आगे है, क्या होता यदि सुई जादू के ब्रश से केवल अपने लिए ही वस्तुएं प्राप्त करती? तो जरूरी नहीं कि जादू का ब्रश कोई जादू कर पाता। क्या होता यदि सुई जादू के ब्रश से लोगों को सताती? तो हो सकता था कि जादू का ब्रश सुई को ही तंग करता और उसकी इच्छा के विपरीत काम करता। क्या होता यदि सुई की जगह आपको ब्रश मिलता? तो मैं अपने मित्रों पड़ोसियों की मदद करती और अपने लिए पढ़ाई का वरदान मांगती। कहानी के आधार पर इनके विषय में तीन तीन वाक्य लिखो। सुई फर्स्ट है, इसके हमने सुई के तीन तीन वाक्य बनाने हैं। फर्स्ट है, सुई चीन में रहने वाली सुंदर लड़की का नाम था। सुई की माँ नहीं थी। सुई को लोगों के काम आना अच्छा लगता था। फिर है मालकिन, इसके भी तीन वाक्य बनाने हैं। सुई की मालकिन अमीर थी। सुई की मालकिन ने हीरो की खान की मांग की। सुई की मालकिन के कमरे में कई चित्र लगे हुए थे। आगे है भाषा की समझ में। निम्न वाक्यों में से संज्ञा और क्रिया शब्द छांटो। वाक्य है, सुई को कभी किसी ने उदास या शिकायत करते नहीं देखा। अब इसमें सुई क्या है? संज्ञा। और क्रिया क्या है? करते और देखा। ठीक है, फिर है, वह एक धनी स्त्री के घर काम करने लगी। संज्ञा क्या है इसमें? स्त्री। और क्रिया क्या है इसमें? करने लगी। फिर है, उसे चित्र बहुत पसंद थे। संज्ञा क्या है? चित्र। और क्रिया क्या है? पसंद थे। फोर्थ है, उसने एक फूलदान बनाया। संज्ञा इसमें है फूलदान। और क्रिया क्या है? बनाया। फिर है, उचित सर्वनाम शब्द से वाक्य पूरे करो। अब यहाँ इन्होंने ऑप्शन दिए हैं, इनमें से हमने वाक्य इसे कंप्लीट करने हैं। फर्स्ट है, डैश प्रतिदिन स्कूल जाती थी। वह या तुम? वह प्रतिदिन स्कूल जाती थी। सेकंड है, डैश अनेक सुंदर चित्र टंगे थे। सब में या उसमें? उसमें। शाम को लौटकर डैश चित्र जो बनाने थे। शाम को लौटकर तुमको चित्र बनाने थे या उसे? उसे। सुई की बात हो रही है ना। डैश क्या आवश्यकता थी? तुमको क्या आवश्यकता थी या फिर आपकी क्या आवश्यकता है? तो यहाँ आपकी आएगा। प्रत्येक विशेषण के साथ विशेषय जोड़ो। सुंदर लड़की, काफ़ी लोग, रंग बिरंगे फूल, घना जंगल, सतरंगा आकाश, सफ़ेद हाथी। तो आपको अभी ये पेज नंबर 45 और पेज नंबर 46 बुक में फिल करना है। ओके, थैंक यू।